कुराली में अकाली दल एससी विंग की जिला स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे संबोधित करने एससी विंग के प्रधान एवं कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रनिके विशेष रूप से पहुंचे। अपने संबोधन में रनिके ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में सबसे अधिक लोक भलाई की स्कीमें चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के लिए पेंशन, मुफ्त बिजली स्कीम, बीमा स्कीम, शगुन स्कीम, विद्यार्थियों को सहूलतें इत्यादि अलग अलग तरह की बहुत सी लाभप्रद स्कीमें शुरू की हैं, जिस कारण पंजाब के दलित वर्ग का उत्थान हुआ है। समागम के दौरान कैबिनेट मंत्री रनिके ने जथेदार उजागर सिंह वडाली के हलके के लोगों को शगुन स्कीम के तहत 36 लाख रुपए के चेक बांटे। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। 2017 की जी चोण है, अकाली दल एक अजी पार्टी आ जी शहीदा की सोच की, शहीदा की मिज की, शहीदा की खून की पार्टी आ। शहीदा की जी सोच होंगी है वो देश प्रति, कौम प्रति, गुरु प्रति होंगी। और ये पार्टी श्रोमणी अकाली दल उस पंथ के निकली है। तो मैं समझता कि श्रोमणी अकाली दल की जी भावें सारे पंजाबियों ने श्रोमणी अकाली दल को मान दिता, आने भी देना जो सब तो अहम रोल का होना, जो सब तो वड्डा रोल का होना तो गरीब भाईचारे का, गरीब समाज का होना। तीसरी बार भी सरकार इन्ह लोगों मन बना लिया, मुकाबले वाली किसी ने भी कोई गल नहीं बेस मन के चल रहा। तो सही महीने जिन्ना दलित भाईचारा, दलित भाईचारे तो एहसान भी श्रोमणी अकाली दल से बहुत वड्डा, क्योंकि अज जे दूजी बारी सरकार बादल साहब की आई सी तो वो दलित भाईचारे का बड़ा अहम रोल आ। और असं महसूस करते हैं भी तीजी बारी लिया भी जी हैट्रिक मनाई आ, दलित भाईचारे की सहयोग का होनी है।